तो यार ये जरूर सोचते होगे आप लोग, अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो का आज के टाइम पर फ्यूजन हो गया तो वो कैसा होगा, उसका पावर लेवल क्या होगा। खैर हम एक पॉइंट पर बात करेंगे कि क्या गोकू और वेजिटा का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो का फ्यूजन हो पाना पॉसिबल है। पहला पॉइंट ये है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो का दोनों का अलग पर्सनैलिटी है। एक कम्प्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिव करने के लिए माइंड को फ्री करना, बॉडी को फ्री करना बहुत जरूरी है, जो चीज गोकू में तो है लेकिन वो चीज वेजिटा में नहीं है। तो अगर गोजिटा और वेजिटो ट्राई भी करते हैं ये कोशिश करने की वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर सके, तो वेजिटा को भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीखना पड़ेगा ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन मेरी ये थियरी शायद गलत भी हो सकती है, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी के टाइम पर जब ट्रंक्स और गोटेन का फ्यूजन हुआ था उस वक्त दोनों इतने कैपेबल नहीं थे इंडिविजुअली कि वो सुपर सेन 3 जैसे फॉर्म को अनलॉक कर पाते, लेकिन फ्यूज होने के बाद वो सुपर सेन 3 फॉर्म को अनलॉक कर लेते हैं। लेकिन ये भी थियरी मेरी गलत हो सकती है। अगर हम ये बात पर गौर करें कि ट्रंक्स और गोटेन का नेचर ऑलमोस्ट काफी सेम है, दोनों काफी म्यूचुअल बॉन्ड आपस में शेयर करते हैं और दोनों के पर्सनैलिटी और दोनों के थॉट्स भी आपस में काफी मिलते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है उनको सुपर सेन 3 को अनलॉक कर पाने का। लेकिन अगर यही चीज को हम गोकू और वेजिटा में कंपेयर करें तो क्या हम ये कह सकते हैं वेजिटा और गोकू के माइंडसेट आपस में काफी मिलते जुलते हैं? जैसा गोकू के दिमाग में चल रहा होता है वैसा ही वेजिटा के दिमाग में भी चल रहा होता है? और इसका साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। और अभी तक गोकू और वेजिटा के जितने भी फ्यूजन्स हुए हैं उसमें गोकू और वेजिटा को सेम फॉर्म्स आते थे। जैसे अगर गोजिटा ब्लू में गया तो गोकू और वेजिटा दोनों ही ब्लू फॉर्म में जा सकते थे। जैसे वेजिटो भी ब्लू फॉर्म में गया तो गोकू और वेजिटा दोनों ही ब्लू फॉर्म में जा सकते थे। और इसका हिंट ब्रॉली मूवी में हमें कहीं ना कहीं मिलता है कि क्यों नहीं गोजिटा ने ब्रॉली के अगेंस्ट में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज किया। ऐसा हो सकता है कि गोजिटा ने सोचा हो शायद उसे जरूरत नहीं है कि वो इतना ऊपर लेवल में जाके ब्रॉली से लड़े। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर दो कैरेक्टर्स का अलग फॉर्म हो तो क्या वो फ्यूज हो सकते हैं, और क्या फ्यूज होके अपने अपने इंडिविजुअल फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं? क्योंकि वेजिटा ने खुद कहा है कि मेरा अल्ट्रा ईगो मेरे पर्सनैलिटी से बहुत मैच करता है और कैकरोट का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसके पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा मैच करता है। लेकिन चलो मान लिया हो गए फ्यूज, वेजिटा का हाफ पर्सनैलिटी उस फ्यूज कैरेक्टर में आ गया और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का हाफ, फिर उसका लेवल क्या होगा? देखो अगर मैं अभी के ड्रैगन बॉल के करंट जितना मैं एक्सप्लोर किया उसके हिसाब से बात करूं तो वो फ्यूजन स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन वर्ल्ड 12 यूनिवर्स का होगा, क्योंकि मैं वो पावर लेवल को इजीली इमेजिन कर सकता हूं कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा ईगो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फॉर्म और एक एंजल्स का फॉर्म अगर दोनों फ्यूज हो गए तो उनका कॉम्बिनेशन कैसा होगा। इवन आप शायद अग्री करो या ना करो, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो का फ्यूजन जो है मैं मानता हूं वो अकेला 3 से 4 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इजीली हैंडल कर सकता है। और इसका तर्क मेरे पास क्या है, बहुत पहले ही वीस ने कहा था जब गोकू और वेजिटा के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो भी नहीं था कि अगर गोकू और वेजिटा साथ में मिलकर रहे तो वो बीरस को भी इजीली हरा सकते हैं। लेकिन हमें अच्छे से पता है आखिरत में वो है ड्रैगन बॉल। राइटर्स खुद पावर लेवल को लेके काफी कंफ्यूज होते हैं। कभी ऐसा वक्त आता है जहां मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर सारे गॉड्स डर जाते हैं, फिर ऐसा वक्त आता है कि वही मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर नॉर्मल मॉर्टल्स उसकी धज्जियां उड़ा के जाते हैं। तो अगर मैं वो वाला पावर लेवल देखूं जहां सारे गॉड्स उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो का जो फॉर्म है वो आसानी से 3 गॉड्स को तो हैंडल कर सकता है, और मैं उन 3 गॉड्स को नेम भी कर सकता हूं। पहला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिड्रा, दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बलमॉड, और विस की ही कही हुई बात कि गोकू वेजिटा आराम से बीरस को हरा सकते हैं, तो मैं बीरस के नाम को नॉमिनेट करना चाहूंगा। लेकिन इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, सिड्रा इजी कंपटीशन हो सकता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ईगो वेजिटो या गोजिटा के लिए, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बलमॉड और बीरस एक टफ कॉम्पिटिशन होंगे उस फ्यूज कैरेक्टर के लिए। लेकिन एक बेस्ट स्टोरी भी होगी जहाँ हमें फुल पोटेंशियल फ्यूज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो का देखने को मिलेगा, जहाँ बलमॉड और बीरस मिलके उस फ्यूज कैरेक्टर का अंदर का एक एक सेल में जितना पोटेंशियल बचा होगा वो बाहर निकालने को मजबूर करेंगे। और वो फ्यूज कैरेक्टर भी मेरा मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो का फ्यूजन, अगर रियल स्टोरी में सच्ची में बलमॉड और बीरस से लड़ेगा तो बीरस और बलमॉड के लिए उनकी पूरी लाइफ में फ्यूज कैरेक्टर ऐसा पहला अपोनेंट होगा जिसके ऊपर वो अपनी गॉड्स की भी लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। लेकिन वो फ्यूज कैरेक्टर होगा कौन, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ईगो गोजिटा या वेजिटो? क्योंकि जब फ्यूजन डांस होता है तो डांस से पहले पावर लेवल्स को रिलैक्स किया जाता है और मैच किया जाता है, लेकिन पोटारा में ऐसा नहीं है। पोटारा में 30 मिनट की प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन एक बार आपने पहन लिया तो आप जुड़ जाते हो और अलग भी हो सकते हो। अगर उस पोटारा का इतना कैपेबिलिटी नहीं रहेगा कि वो उस लेवल का पावर लेवल को हैंडल कर पाए, मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा जरूर आप देखोगे जहाँ आपको दिखेगा सुप्रीम काय गोकू और वेजिटा को लाके एक स्पेशल पोटारा इयररिंग्स देंगे और वो इयररिंग्स अपग्रेडेड वर्जन होंगे नॉर्मल पोटारा से, जहाँ टाइम 30 मिनट से घंटों में बढ़ जाएगा।
और गोकू और वेजिटा को छूट मिल जाएगी कि जितना एनर्जी डाल सकते हैं फ्यूजन में डाल दें, और ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ गॉड्स के कहने पर। अगर बीरस चैलेंज करे गोकू और वेजिटा को कि तुम फ्यूज हो जाओ और अपने आखिरी हद तक जाके लड़ो, फिर गोकू बताए कि ऐसा कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पोटारा इयररिंग्स में हम अलग हो गए थे और फ्यूजन डांस में हमें अपने पावर लेवल को मैच करना पड़ता है। तब वीस गोकू और वेजिटा को मैजिक से अपने हाथों से इयररिंग्स दे और कहे, ओह तुम इसकी तलाश कर रहे थे, ये इयररिंग्स काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें तुम एक बार फ्यूज हो गए तो जितना मर्जी उतने देर तक फ्यूज रह सकते हो और जितना चाहे उतने पावर लेवल का यूज कर सकते हो। और अगर सच कहूं ड्रैगन बॉल की स्टोरी के हिसाब से, अगर मैं ऐसा इमेजिन भी करता हूं तो मैं ऐसा होता देख सकता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब पोटारा इयररिंग्स चाहिए होगी गोकू और वेजिटा को, वो वीस के जरिए ही मिलेगी। इवन ये जो एक कॉन्सेप्ट है जो ब्रेक नहीं हुआ है, जैसे वेजिटा और गोकू का अलग पर्सनैलिटी है और अलग फॉर्म है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो, अगर उसको कोई ब्रेक कर सकता है इस कॉन्सेप्ट को तो वो सिर्फ वीस कर सकता है। देखो कमाल है कि हम वीस की एबिलिटीज पर क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि उसे बनाया ही इसलिए गया है जहां वीस कॉन्सेप्ट ब्रेक कर सके ड्रैगन बॉल के। तुम लोग कहोगे विक्सर भाई इतने दिमाग में आइडियाज हैं आपके, आप खुद क्यों नहीं राइटर की कमांड को संभाल लेते हो, क्यों हमें बिना वजह ट्रंक्स और गोटेन के आर्क से टॉर्चर किया जा रहा है। देखो राइटर राइटर है, उन्हें अच्छे से पता है कि हम जिस दिन ऐसी ऐसी स्टोरीज लेके आ गए जैसा फैन एक्सपेक्ट करते हैं और ऐसी हाई लेवल की स्टोरीज दे डाली जैसी वो इमेजिनेशन में सोचते हैं, तो वो सब डिलीवर करने के बाद उनकी होप्स और ज्यादा हमसे बढ़ जाएगी। हमें हाँ देना जरूर है हाई लेवल एडवांस स्टोरी, लेकिन 7-8 आर्क में सिर्फ एक बार। देखो राइटर का तुमको क्या लगता है, वो अवेयर नहीं होते क्या फैंडम में लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या डिमांड्स हैं? उन्हें पता सब होता है, जिसको सब वो फ्यूचर के लिए सेव रखते हैं। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और कमेंट करके बताओ कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वेजिटो अगर सच्ची में आता है, कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ईगो वेजिटो अगर सच्ची में आता है, तो आप लोग उस फ्यूज कैरेक्टर में आप लोग कौन सी स्टोरी किस तरीके से स्टोरी को देखना चाहोगे। मैंने तो बता दिया मुझे पर्सनली 3 गॉड्स वर्सेस अल्ट्रा ईगो इंस्टिंक्ट वेजिटो देखने में मजा आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो यार। आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ आप लोग काफी कम लाइक करते हो, तो ज्यादा करो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।